बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा नाम ज़हीरुद्दीन बाबर। आप सबको मैं अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। और कोई भी क्वेश्चन करना हो तो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आ रही है, उस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों आज मैं दो टॉपिक पर बात करूँगा, एक तो विजिट वीज़े वालों के लिए मैं बात करूंगा, दूसरा जो जिनको ई वीज़े मिल रहे हैं उनके लिए पाकिस्तान एयरपोर्ट पे कितने मसले बन रहे हैं। तो आज मैं दोनों टॉपिक पे आप दोस्तों के साथ बात शेयर करूंगा। अच्छा दोस्तों, मैं आपसे पहली बात ये शेयर करना चाहता हूं, जिन दोस्तों को ई वीज़े दिए जा रहे हैं चाहे वो कॉलिंग वीज़ा है या विजिट वीज़ा है, उनको एयरपोर्ट पे रोका जा रहा है। कुछ लोगों को तो नहीं रोक रहे, कुछ लोगों को रोक रहे हैं और उनसे पूछ कर रहे हैं कि चेक कर रहे हैं कि ये वीज़ा असली है कि नकली है, जो कुछ भी है इमिग्रेशन का जो रूल होता है, ठीक है ना। दूसरी एक और बात बता दूं मैं आपको, जैसे ई वीज़ा दे रहे हैं ना विजिट वीज़े या कॉलिंग वीज़े पे, अभी जो मलेशिया में लोग रहते हैं जिनके परमिट, जिनका वीज़ा एक साल बाद ख़त्म होता है, रिन्यू होता है, तो उसके लिए भी अब मलेशिया गवर्नमेंट ने, मलेशिया इमिग्रेशन ने एक नया कानून पास कर दिया है, ठीक है ना। उनके भी जो वीज़े रिन्यू होंगे उनमें पर दिया जाएगा जिसको डिजिटल पास बोलते हैं, एक साल का। पहले जब वीज़ा रिन्यू होता था तो उसमें स्टिकर लगता था, लेकिन अभी वो भी इमिग्रेशन मलेशिया गवर्नमेंट ने वो ख़त्म कर दिया है। अब वो जो होता है ना वो पेपर दे रहे हैं, ठीक है ना। वीज़ा जो रिन्यू होता है ना उसका पेपर मिलता है, ठीक है, जिसको डिजिटल पास बोलते हैं। तो यहाँ से दोस्त छुट्टी गया था पाकिस्तान, कंपनी ने बोला है, वो कंपनी को उसने बोला था कि मैं घर छुट्टी जाना चाहता हूँ, तो कंपनी ने बोला कि तेरा अभी वीज़ा रिन्यू होने वाला है तो रिन्यू करवा के आप जाओ, ठीक है। तो उस भाई ने वीज़ा रिन्यू करवाया था अभी 2 महीने पहले, ठीक है ना। तो अभी जितने जो मलेशिया में लोग रहते हैं उनको पता होगा कि जितने भी अभी कॉलिंग वीज़े जो रिन्यू हो रहे हैं उसमें वो पेपर दिया जा रहा है, ठीक है ना। स्टिकर, अभी स्टिकर, वो जो रिन्यू वीज़ा होता है उस पर स्टिकर नहीं लगता, ठीक है ना, अभी पेपर दिया जा रहा है, ठीक है। तो कंपनी को उसने बोला कि मैं अभी घर छुट्टी जाना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो कंपनी ने उसको वीज़ा रिन्यू करवा के दिया वो पेपर की शक्ल में, जिसको डिजिटल पास बोलते हैं। तो उस भाई को वो डिजिटल पास दे दिया, वो भाई घर चला गया 2 महीने छुट्टी गुजारने के बाद। जब वो वापस पाकिस्तान एयरपोर्ट पर आया तो उसको रोक लिया गया, ठीक है ना। उसको इमिग्रेशन ने रोक लिया क्योंकि वो बोल रहे थे कि आपके पास वीज़ा कौन सा है, अभी आप नई कॉलिंग वीज़े पे जा रहे हैं। तो उस भाई ने बोला कि मैं नई कॉलिंग वीज़े पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन उस इमिग्रेशन को उसने बताया है कि मेरा अभी वीज़ा रिन्यू हुआ था, मेरे पहले जो वीज़े लगे हैं वो स्टिकर वीज़े थे, उसके पहले जो 2 वीज़े लगे थे वो स्टिकर वीज़े थे। तो उसने इमिग्रेशन को बोला है कि मेरा अभी जो 3रा वीज़ा लगा है वो डिजिटल पास, जो ई वीज़ा मतलब पेपर की शक्ल में होता है। अभी पासपोर्ट के ऊपर आप दोस्तों को मैं एक बात बता दूं, अगर जिन दोस्तों के अभी वीज़े लग रहे हैं ना पासपोर्ट पे वो नहीं लग रहे, ठीक है ना, जैसे स्टिकर वीज़ा होता था, अभी वो मलेशिया गवर्नमेंट ख़त्म कर रही है। और बहुत सारे दोस्तों के जिनके वीज़े रिन्यू हुए हैं ना उन सब को डिजिटल पास, जो ऑनलाइन पेपर की तरह, जिस तरह वीज़ा मिलता है ना इसी तरह अभी पेपर दिया जा रहा है, जिसको डिजिटल पास बोलते हैं, 1 साल का। तो उस भाई का डिजिटल पास था, 1 साल का वीज़ा लगा हुआ था, ठीक है। तो जब एयरपोर्ट पर आया तो इमिग्रेशन ने उसको रोक लिया, उसने बोला है कि ये आपके पास वीज़ा नहीं है, ठीक है ना। तो आप मुझे, इमिग्रेशन ने उसको बोला है कि हमें पता है कि जो लोग मलेशिया में काम करते हैं उनका वीज़ा रिन्यू होता है वो स्टिकर लगता है, ना कि पेपर दिया जाता है। तो उस भाई ने उनको बोला है कि अभी मलेशिया में रूल चेंज हो गया है और 3-4 महीनों से अभी वो स्टिकर वीज़ा जो रिन्यू होता था वीज़ा वो ख़त्म कर दिया है, अभी टोटल जो है पेपर दिया जा रहा है, जिसको डिजिटल पास 1 साल का बोलते हैं। अभी मलेशिया में यही रूल चलेगा, ठीक है ना। आप दोस्तों को मैं ये क्लियर कर दूं, जिन लोगों के भी अभी वीज़े रिन्यू होंगे ना, जो मतलब कॉलिंग वीज़े पे हैं या जो मतलब आज़ाद वीज़े पे हैं, ठीक है ना, जो कंपनियों के वीज़े हैं या आज़ाद वीज़े हैं, दोनों को अभी पेपर दिए जा रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने घबराना नहीं है, ये नहीं सोचना कि यार अभी हमारा पेपर दिया जा रहा है, वो स्टिकर वीज़ा जो लगता था वो अभी मलेशिया गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया। इमिग्रेशन ने उसको रोक लिया, उसने बोला कि हमें मलेशिया गवर्नमेंट ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया, हमें ये पता है कि मलेशिया एयरपोर्ट में ई कॉलिंग वीज़ा, ई विजिट वीज़ा दिया जा रहा है। इमिग्रेशन को उसने बहुत समझाया लेकिन इमिग्रेशन ने उसकी बात नहीं सुनी, उसने उसको रोक लिया, वो उसका टिकट ज़ाया हो गया था, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आप दोस्तों को बताया था कि ई वीज़ा जो विजिट वीज़ा है या कॉलिंग वीज़ा है उस पर कुछ लोगों को इमिग्रेशन रोक रही है, बाकी जो अभी ये न्याय अभी आपको किसी ने नहीं बताया होगा क्योंकि ये मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ इस टॉपिक पे, मलेशिया के जितने भी यूट्यूबर हैं इस टॉपिक पे अभी आपको किसी ने नहीं बताया होगा, ठीक है ना। जितने भी लोग मलेशिया में काम कर रहे हैं उनका जो वीज़ा रिन्यू होगा ना उस पर अब स्टिकर नहीं होगा,
वो पेपर होगा डिजिटल पास एक साल का, अभी सब का ऐसा ही वीज़ा रिन्यू हुआ करेगा, ठीक है ना। तो आपने घबराना नहीं है, इमिग्रेशन बोली है कि हमें इस चीज़ का पता नहीं है, इलम नहीं है, हमें सिर्फ ये पता है ई वीज़ा जो विजिट वीज़ा है और कॉलिंग वीज़ा उसका कंफर्म था, लेकिन जिस जो अभी वीज़ा रिन्यू हो रहा है इसका हमें नहीं पता। तो ज़ाहिर इमिग्रेशन को पता होगा, ये चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं होता कि जब मलेशिया गवर्नमेंट अपनी कुछ भी सिस्टम को अपग्रेड करती है तो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पूरी दुनिया को बताती है कि हमने ये सिस्टम अपग्रेड किया है, ठीक है। तो इमिग्रेशन के जो बंदा था उसने ऐसा क्यों किया इस चीज़ का तो हमें पता नहीं है। कहने का मकसद है कि उसके तो पैसे गए, टिकट ज़ाया हुआ, ठीक है, अभी दोबारा वो पैसे भरेगा और टिकट लेके आएगा। और जो दोस्त भी जो वीज़ा रिन्यू करवा के अपने कंट्री, चाहे वो इंडिया या बांग्लादेश पाकिस्तान में जा रहे हैं, तो जैसे कि वीज़ा रिन्यू करने के लिए अभी डिजिटल पास एक साल का लग रहा है, स्टिकर वीज़ा इन्होंने ख़त्म कर दिया है, तो आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल आप जाएँ इमिग्रेशन के पास। जब आप जाते हैं तो उनको क्लियर करें कि अभी मलेशिया में ये कानून है और स्टिकर वीज़ा जो है ना वो ख़त्म हो गया, जो वीज़े रिन्यू होते थे वो भी स्टिकर वीज़े इन्होंने ख़त्म कर दिया, अभी जो वीज़े रिन्यू होंगे तो वो पेपर दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो घबराना नहीं, आपने टेंशन नहीं लेनी, आप सीधा इमिग्रेशन को बोलें कि जैसे कि ई वीज़ा विजिट वीज़ा है, कॉलिंग जो वर्क वीज़ा है, अभी इन्होंने जो मलेशिया में लोग काम करते हैं उनका भी हमें इन्होंने सिस्टम वीज़ा ख़त्म कर दिया, ठीक है ना। तो वो डिजिटल पास अभी लग रहा है, सही आपने कहा। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो वर्क वीज़े पे नहीं आ रहे, विजिट वीज़े पे बहुत सारे दोस्त आ रहे हैं और ये सोच के आ रहे हैं कि चलो हम विजिट वीज़े पे चले जाएंगे और वहाँ काम करेंगे। वजह क्यों है, क्यों लोग ज़्यादातर विजिट वीज़े पे आ रहे हैं? एक तो ये है कि वर्क वीज़ा नहीं मिल रहा, जिस एजेंट से भी बात करते हैं तो वो बोलते हैं पैसे जमा करवाओ, डॉक्टरी करवाओ और आपका वर्क वीज़ा निकल आएगा। लोग 6-6 महीने बैठे रहते हैं, उनका वर्क वीज़ा नहीं लगता निकलता, फिर वो सोचते हैं कि हम ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो हम विजिट वीज़े पे चले जाते हैं और वहाँ जा के कुछ काम करेंगे फिर अपना वीज़ा लगवा लेंगे। तो दोस्तों मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, अगर आप विजिट वीज़े पे आ रहे हैं, जब आप विजिट वीज़े पे आते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए इमिग्रेशन यहाँ की देखती रहती है, जब आप इंटर हो रहे हैं कितने लोगों को इंट्री दी जा रही है, सही है ना। और जब लोग वापस नहीं जाते तो ये भी इमिग्रेशन को, मलेशिया इमिग्रेशन को पता होता है, बहुत सारे लोग जो विजिट वीज़े पे आ रहे हैं और यहाँ वापस नहीं जा रहे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता कि यहाँ पता नहीं होता है, इमिग्रेशन को पता होता है, उनके पास रिकॉर्ड होता है, बहुत सारे लोग विजिट वीज़े पे आ रहे होते हैं, ठीक है ना। तो फिर क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा लोग विजिट वीज़े पे आते हैं वापस नहीं जाते तो फिर इमिग्रेशन छापे मारती है, जिसको हम ऑपरासी बोलते हैं। हर जगह पे बड़े बड़े प्रोजेक्टों पे, शॉपिंग मॉल पे इमिग्रेशन परासी करती है और विजिट वीज़े वालों को जो आए होते हैं उनको पकड़ते हैं, जो अनलीगल होते हैं, जिनको अनलीगल बोलते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारी अपरासी होती है जब लोग पकड़े जाते हैं। बहुत सारे दोस्त बोल रहे होते हैं कि सर फिंगरप्रिंट कब ओपन होंगे, आउट पास कब ओपन होंगे, लोग रहते हैं वो आपको बताएंगे। जब अपरासी होती है तो बहुत सख्त अपरासी होती है, हर जगह पे बड़े बड़े प्रोजेक्टों पे, शॉपिंग मॉल पे ये अपरासी करते हैं, छापे मारते हैं, लोगों को पकड़ते हैं जो अनलीगल होते हैं, ठीक है ना। तो जब वो लोग पकड़े जाते हैं ना, बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं, जो बच जाते हैं ना, तो फिर ये क्या कहते हैं, ये फिंगरप्रिंट ओपन करते हैं और आउट पास ओपन करती हैं, क्योंकि मलेशिया की गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि हमारे मुल्क में जो भी आदमी आए वो विजिट वीज़े पे आए और यहाँ अनलीगल हो के काम करे। तो यहाँ की इमिग्रेशन, यहाँ की हुकूमत ये नहीं चाहती, क्योंकि वो भी चाहती है जो बंदा लीगल आए हमें टैक्स दे ताकि हमारे मुल्क को कोई फ़ायदा हो, ठीक है ना। तो जब अपरासी होती है, लोग पकड़े जाते हैं, जो बच जाते हैं फिर भी ये आउट पास और फिंगरप्रिंट ओपन करते हैं, ठीक है ना। वो इसलिए करते हैं कि जो कुछ लोग रह गए हैं वो आके आउट पास पे या तो अपने घर चले जाएं, पाकिस्तान अपनी कंट्री किसी भी कंट्री से हैं तो आप अपनी कंट्री में चले जाएं, या फिर आप जो फिंगरप्रिंट पे अपना वीज़ा लगवा लें, ठीक है। मलेशिया गवर्नमेंट को जो अनलीगल होते हैं उनसे टैक्स लेना होता है, ना कि वो अनलीगल रहें, उनको कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है ना। तो ये मकसद होता है, मैं आपको क्लियर कर दूं। बहुत सारे मुझे लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं कि सर फिंगरप्रिंट कब ओपन होंगे, आउट पास कब ओपन होंगे, ठीक है ना। तो जब विजिट वीज़े पे लोग आते हैं वापस नहीं जाते, बहुत ज़्यादा जब लोग हो जाते हैं तो यहाँ के इमिग्रेशन को पता होता है कि अभी अनलीगल बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है ना। तो ये अपरासी करते हैं, जगह जगह छापे मारते हैं। अच्छा मैं आपको ये भी बता दूँ, बहुत सारे दोस्त जो विजिट वीज़े पे आ रहे होते हैं और ये कहते हैं, मुझे ज़्यादा कमेंट्स ये कह रहे होते हैं कि सर फिंगरप्रिंट कब ओपन होंगे और हमारा वीज़ा वहाँ लग सकता है कि नहीं लग सकता, क्योंकि एजेंट लोग उनको बोलते हैं कि हम आपको विजिट वीज़े पे भेजेंगे, वहाँ हम आपको काम भी देंगे और आपका कॉलिंग वीज़ा भी लगवाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता, मैं आपको ये क्लियर कर दूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे लोग विजिट वीज़े पे आते हैं वो कामयाब होते हैं जिनके आगे जानने वाले हैं, दोस्त वगैरह हैं या कोई रिश्तेदार हैं जो काम कर रहे हैं, उनको तो काम मिल जाता है, ठीक है ना।
वो तो सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन यार जो जिनका आगे कुछ जानने वाला नहीं होता, विजिट वीज़े पे आते हैं तो बहुत जलील होते हैं यार। ये मैं आप दोस्तों को क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा मलेशिया आएगा तो जिसका आगे कुछ जानने वाला नहीं है विजिट वीज़े पे उसको काम मिल जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। बहुत सारे दोस्त आए हैं, मुझे बहुत सारे दोस्त कमेंट्स करते हैं कि सर हमें कोई काम दो, हमें काम। यार एक आदमी 10 आदमियों को 5 आदमियों को काम दे सकता है, 100,000 बंदे 500 बंदे को मैं काम नहीं दे सकता, ठीक है ना। और बहुत सारे दोस्तों के साथ ये फ्रॉड होता है, सही है ना। आपसे मैं कह रहा हूँ कि ये मत सोच के आए कि मलेशिया हम जा रहे हैं तो वहाँ हमें काम मिल जाएगा। जिनके जानने वाले हैं उनको तो काम मिल जाएगा, जिनके जानने वाले नहीं हैं तो भाई उनके लिए बहुत मुश्किल है। बहुत सारे दोस्तों को काम नहीं मिल रहा, क्या वजह है? क्योंकि उनके आगे कोई जानने वाला नहीं है, काम ढूंढने में मुश्किल है। तो मैं आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि यार अगर आपको विजिट वीज़े की बजाय कॉलिंग वर्क वीज़ा मिल रहा है तो बेस्ट है उस पर। यहाँ मैं एक बात और क्लियर कर दूँ, बहुत सारे दोस्त एजेंट के थ्रू विजिट वीज़े पे आ रहे होते हैं और एजेंट उनको बोलते हैं कि हम आपको मलेशिया पहुँचा के वहाँ आपका वीज़ा लगवाएंगे, ठीक है ना। तो अभी जो भी विजिट वीज़े पे आता है भाई, उनका कोई वीज़ा नहीं लग रहा, ठीक है ना, कोई सी किस्म का भी वीज़ा नहीं लग रहा। हाँ, आज से 3-4 साल पहले ऐसा होता था जो लोग विजिट वीज़े पे आते थे उनका यू टर्न पे वीज़ा लग जाता था, ठीक है ना। विजिट वीज़े पे आते थे, यू टर्न पे वीज़ा लगता था, लेकिन मलेशिया इमिग्रेशन ने टर्न वीज़ा वो बंद कर दिया, वो क्लोज कर दिया है। तो ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, अगर आप विजिट वीज़े पे आ रहे हैं तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा। पहले होता था यू टर्न वीज़ा, वो अभी इमिग्रेशन मलेशिया इमिग्रेशन ने बंद कर दिया, ठीक है ना। और यहाँ एक मैं आपको और भी बात बता दूँ, बहुत सारे लोग जो विजिट वीज़े पे आ रहे होते हैं वो एजेंट के थ्रू आ रहे होते हैं, ठीक है ना। और एजेंट उनको बोलते हैं वहाँ आपको काम भी लगवाएंगे और हम आपको वहाँ वीज़ा भी लगवा के देंगे। तो बहुत सारे दोस्त यहाँ आके गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं मैं आपको क्लियर कर दूँ। जो भी लोग विजिट वीज़े पे आ रहे हैं ना, ठीक है, विजिट वीज़े पे आएँ, ठीक है ना, लेकिन जब आप यहाँ आ जाते हैं एजेंट आपको काम पे लगवाता है तो वो ये आपको बोलता है कि हमें इतने पैसे दो और हमें पासपोर्ट दो, हम आपका वीज़ा लगवाएंगे। तो भाई आप सबको मैं बता दूं, फिंगरप्रिंट अभी बंद हैं, अभी ओपन नहीं हुए, तो आपने किसी बंदे को भी पासपोर्ट और पैसे नहीं देने, वरना आपके पैसे भी जाएंगे और पासपोर्ट भी जाएगा, ठीक है ना। अगर आप विजिट वीज़े पे आ रहे हैं, अगर आपने सोचा है कि हम वर्क वीज़े में विजिट वीज़े को चेंज करवाएंगे, तो वो आपका एक ही हल है, फिंगरप्रिंट। जब फिंगरप्रिंट ओपन होंगे तो आपका वीज़ा लगेगा, वरना कोई चांस नहीं है। किसी कंपनी में भी काम कर रहे हैं, बेशक आप ट्राइयां दें, वो बॉस आपको वीज़ा नहीं लगवा के दे सकता। जिस एजेंट के थ्रू आप काम पर आए हैं, जिस एजेंट के थ्रू आप मलेशिया में आए हैं, वो आपको वीज़ा नहीं लगवा के दे सकता। विजिट वीज़े पे कोई भी वर्क वीज़ा नहीं लगता, ये मलेशिया का कानून है, ठीक है ना। किसी एजेंट को पैसे मत दें, किसी एजेंट को पासपोर्ट मत दें, ठीक है ना। कुछ भी ना आपको पासपोर्ट मिलेगा ना आपको पैसे मिलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, उम्मीद करूंगा ये छोटी सी वीडियो आप दोस्तों को बहुत पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ घंटी के बटन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मलेशिया की जो भी अपडेट हो आप दोस्तों तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं एक नए दिन नए व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।